अखनूर के पलावाला हॉर्टिकल्चर की फलदार नर्सरी में अचानक से आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड और थाना प्रभारी खौर पलावाल पुलिस की सूझबूझ के आग पर काबू पाया। लोगों का कहना था कि यहां पर हॉर्टिकल्चर का कोई भी कर्मचारी नहीं रहता है और स्थानीय लोगों में रोष देखा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ और मैं देवेंद्र सिंह। मैं इस वक्त खोड़ के पलावाला में मौजूद हूं, जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे जो यहां पर आग लगी हुई आप देख रहे हैं, ये पलावाला में एक हॉर्टिकल्चर की एक नर्सरी है। यहां पर फलदार पेड़ पौधे हैं, आम और लीची के पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर सुबह की आग लगी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का यहाँ एक भी कर्मचारी मौके पर रहता ही नहीं है। अगर यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा इतनी सुबह की मशक्कत नहीं की जाती और फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ मौके पर नहीं पहुँचती, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मौके पर नहीं पहुँचते, तो अब तक जो बचे कुचे पेड़ पौधे हैं वो भी चलकर राख हो जाते। पलावाला की सरपंच गीता देवी, आप सबको इस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, हमारी आज पलावाला नर्सरी में आग लगी हुई है और आप सभी देख रहे हो कि बुरी कंडीशन है। आग कभी भी कंट्रोल में नहीं होती है और ना ही ये आग कंट्रोल हो रही है। बट मैं अपने SDM सर का, SHO सर का भी थैंक्स करना चाहूँगी। उन्होंने एट ए टाइम पुलिस को यहाँ भेजा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पे भेजी, जो इस आग को बुझाने में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उनका कोई एक आधा बंदा जो है यहाँ पे ड्यूटी पे रहे, जो इसको देखे एट ए टाइम। अगर मेरे लोग मुझे इन्फॉर्म नहीं करते तो मैं भी ये आग हम किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते।